नमस्कार, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे पास एक सीपीयू आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो चालू होते हैं फिर बंद हो जाते हैं, मतलब इसका जो फैन है ना, जैसे हम चालू करते हैं कंप्यूटर को, तो इसका फैन जो है चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है, और डिस्प्ले नहीं आता। तो इसका आज प्रॉब्लम का सलूशन करने वाले हैं। तो कैसे होगा, आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। हो सकता है आपका लैपटॉप में ऐसा प्रॉब्लम हो या आपके डेस्कटॉप में ऐसा प्रॉब्लम हो, तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सबसे पहले पावर केबल उसको डिस्कनेक्ट कर दूँगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली रैम को निकाल लेना है। इस तरह से रैम निकाल जाने के बाद आपको फिर केबल को वापस लगा देना है, मतलब हमें चेक करना है इसको कि ये रैम का प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, तो चलिए चालू कर लेते इसको। तो इस कंडीशन में आपके मदरबोर्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, SMPS का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आपको वन बाय वन सबको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले रैम को ही देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये फैन रेगुलर चालू हो गया है और बीप भी साउंड आ रहा है। तो साउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने रैम निकाल लिया है और इसका जो प्रॉब्लम है अब समझ में आ गया है कि ये रैम का ही प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें जो है नया रैम लगा के देखना है, या तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक बार साफ कर लेंगे रैम को और उसके बाद लगा के देखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रैम का ही प्रॉब्लम हो जिससे प्रॉब्लम आ रहा था, तो यार उसके और कुछ कारण भी हो सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल हम रैम को निकाल लिए हैं, तो इसको साफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर लगाते हैं। तो दोस्तों, रैम को इस तरह से पकड़ लेना है आपको, और उसके बाद जो है ना, इसमें जो प्रिंट है, प्रिंट को ही बस साफ़ करना है, ऊपर को आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई टूट जाता है ना, तो आपका सही वाला रैम भी ख़राब हो जाएगा। उसके बजाय आप इस तरह से इसको आप साफ़ कर लेना, इस तरह से। कभी क्या क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर आ जाता है ना, तब भी ये प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से आपको साफ़ कर लेना और उसके बाद फिर लगा देना। तो चलिए लगाते हैं रैम को। तो फिलहाल CPU चालू है, तो मैं पीछे का जो केबल है ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और रैम को भी लगा लेता हूँ। एक बार कोशिश करें कि इसको एक बार साफ कर लें, या तो फूंक मार के अच्छे से कचड़ा वगैरह हो ना उसको आप निकाल दीजिए। तो चलिए, मैं ब्लोअर नहीं यार, ऐसे ही साफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत धूल डस्ट इसमें पड़ा हुआ है। तो रैम को लगा देते हैं फिर से वापस। ये रैम लग गया है। अब क्या करना है, अब हम कनेक्ट कर देते हैं पावर को। ये पावर भी कनेक्ट हो गया। अब चलिए चालू करते भी देखते हैं। और ये हो गया चालू, और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो इसमें डिस्प्ले आना भी स्टार्ट हो गया है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम था दोस्तों, तो यही था, रैम का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये रिस्टार्ट हो रहा था। और जैसे आप कंप्यूटर को देखेंगे तो ये जो है चालू हो गया है। तो इस तरह से जो है आप अपने कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्व कर सकते हैं। आपको मार्केट वगैरह भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल रूप से ऐसे चेक करके आप अपने कंप्यूटर को बना सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा, कुछ सीखने के लिए मिला हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।